2050 पर्यंत भारत ही जगाची आर्थिक आणि आध्यात्मिक राजधानी असेल असं प्रतिपादन योग गुरु रामदेव बाबा यांनी केलं आहे। योग गुरु रामदेव बाबा हे 16 ते 19 मार्च पर्यंत सोलापूर दौऱ्यावर आहेत। शुक्रवार सायंकाळी एम्बी थिएटर इथे त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला। भारत ही माझी मातृभूमी आहे, योग साधनेनं मी तिची सेवा करतो। 2050 पर्यंत भारत ही जगाची आर्थिक आणि आध्यात्मिक राजधानी असेल असं प्रतिपादन रामदेव बाबा यांनी केलं। पतंजलीच्या उत्पादनातून 1 कोटी शेतकऱ्यांना उद्योग क्षेत्र खुलं करून दिलं आहे। योगासनामुळे आरोग्य स्वास्थ्य यांची दारं उघडली जातात, यामुळे बीपी कॅन्सर यासारखे आजार बरे होतात हे डॉक्टरांनीही मान्य केल्याचं रामदेव बाबा यांनी सांगितलं। हमारा सपना है 2050 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बने, और भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए स्वदेशी उद्योग, स्वावलंबन, राष्ट्र की समृद्धि, हम भारत माता को परम वैभवशाली जब बनाना चाहते हैं तो इस देश में समृद्धि को बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए हमने योग के साथ उद्योग भी इस देश में खड़ा किया। 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया, 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को जोड़ा। इस वर्ष हम पतंजलि का टेक्सटाइल का भी स्वदेशी उद्योग शुरू करने जा रहे हैं और उसका विशेष लाभ सोलापुर को भी मिलेगा। प्रत्येक देशाला आता योगाचे महत्व पटले आहे। सोलापुरात कापड उद्योग मोठ्या प्रमाणावर आहे। स्वदेश कपडा वापरा यासाठी आपण प्रयत्न करू असेही रामदेव बाबांनी सांगितलं। यावेळी सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, सचिन कल्याण शेट्टी, सुधा आळीमोरे आदी उपस्थित होते।